अच्छा, एक पार्टी और निकल कर आ रही है बहुजनों के लिए, वो पार्टी आजाद समाज पार्टी है, जिसके चीफ चंद्रशेखर आजाद है, उनके बारे में क्या राय है आपकी? आजाद समाज पार्टी तभी तो नए हैं, इनका तभी देखा जाएगा, अभी तो न्यूयॉर्क में आते हैं, अभी इनका धीरे धीरे हो सकता है भविष्य में इनका समाज मतलब इनकी पार्टी बन सकती है, पर अभी इनका इनके इतना भी इस समय इन ज़्यादा फेमस नहीं हो सकते, क्योंकि इनको ज़्यादातर सब बहुजन को चाहने वाले हैं मायावती जी को, तो सब मायावती जी को वोट देंगे। क्या बात करते हो भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया में नाम आया है, आप ऐसे बोल रहे फेमस नहीं है। देखिए देखिए भाई, बता रहे हैं चंद्रशेखर भाई का जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में नाम आया है, और आप बता रहे कि अभी चंद्रशेखर भाई को जाना नहीं जाता है। साथियों नमस्कार, आज हम प्रयागराज के विधानसभा चुनाव में पहुँचे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। आज हम जानेंगे जमीनी हकीकत क्या है 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर। ये काफ़ी युवाओं की तादाद दिख रही है, हम इनसे भी जानेंगे कि 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर ये सब भाई लोग किसको वोट करेंगे। हम तो BSP को वोट देंगे, क्योंकि उनके शासनकाल में सारा व्यवस्था कानून व्यवस्था सब अच्छे से चलता है, और BSP सरकार में ये है कि हर चीज़ की सुविधा रहता है, यहाँ तक महिला सुरक्षा रहता है, बहन बेटियों की सुरक्षा रहता है, और अच्छा कानून व्यवस्था रहता है, और स्कूल में अच्छी खासी पढ़ाई भी होता है। और BSP किस लिए आगे बढ़ाना चाहेंगे, BSP आएगी तो हमारा जो गाँव है जो समाज है और डेवलप कर जाएगा, और आगे भविष्य में और भी तरक्की कर सकता है। और BJP तो देखी नहीं, BJP का क्या हाल है आजकल, BJP तो हर जगह देखी। अच्छा, एक पार्टी और निकल कर आ रही है बहुजनों के लिए, वो पार्टी आजाद समाज पार्टी है, जिसके चीफ चंद्रशेखर आजाद है, उनके बारे में क्या राय है आपकी? आजाद समाज पार्टी तभी तो नए हैं, इनका तभी देखा जाएगा, अभी तो न्यूयॉर्क में आते हैं, अभी इनका धीरे धीरे हो सकता है भविष्य में इनका समाज मतलब इनकी पार्टी बन सकती है, पर अभी इनका इनके इतना भी इस समय इन ज़्यादा फेमस नहीं हो सकते, क्योंकि इनको ज़्यादातर सब बहुजन को चाहने वाले हैं मायावती जी को, तो सब मायावती जी को वोट देंगे। क्या बात करते हो भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया में नाम आया है, आप ऐसे बोल रहे फेमस नहीं है। देखिए भाई, बता रहे हैं चंद्रशेखर भाई का जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में नाम आया है, और आप बता रहे कि अभी चंद्रशेखर भाई को जाना नहीं जाता है, कहीं ना कहीं आप नहीं जानते हैं। नहीं, चंद्रशेखर भाई को सभी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर अभी राजनीतिक तौर में उनको अभी जगह नहीं मिल पाएगी ना, क्योंकि अभी SP है, BSP है, BJP है, अभी SP तो बहुत ज़्यादा ही पीछे। देखिए जहाँ जो है बहुजनों के लिए दो नेता निकल कर आ रहे हैं, चंद्रशेखर और मायावती, चंद्रशेखर के समर्थक और मायावती के भी समर्थक खड़े हैं आसपास में, क्या बोलते भैया चंद्रशेखर के लिए आप? चंद्रशेखर के लिए भाई, चंद्रशेखर अगर आज चंद्रशेखर भाई को अगर आपको खोजना है तो दलित शोषित दबले कुचले समाज से जाके पूछिए, चंद्रशेखर भाई उनके दिल में राज करते हैं, उनके दिल में मिलेंगे और क्या। अच्छा, 2022 के आगामी चुनाव को लेकर क्या चाहते हैं आजाद समाज पार्टी आपके यहाँ? जी, मैं तो बिल्कुल समर्थक, खुला समर्थक। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी जो है चंद्रशेखर को जी RSS का एजेंडा बताती है, उसके लिए आपकी क्या राय है? अरे वो तो सबकी अपने अपने विचार अलग है, वो देखिए सर, वो एक समाज के हैं, वो आज एक हम, ये मेरा भाई है, ठीक, इसको मैं बुरा बोलूं अच्छा बोलूं, ठीक है, कभी ना कभी तो हम लोग एक हो ही जाएंगे। आने वाले चुनाव में जो है आप आजाद समाज पार्टी के साथ हैं? जी, आजाद समाज। तो आप किसके साथ हैं? देखिए राजनीतिक के तौर पे तो मायावती जी बेस्ट हैं। अच्छा। और गांव सामाजिक के मामले तो चंद्रशेखर आजाद भी बेस्ट हैं। आपको ऐसा क्या लगा जो मायावती के लिए आप अपना समर्थन? क्योंकि मायावती के शासन में तो बहन कुमारी मायावती जी के शासन में जो कानून व्यवस्था होता है ना, सबसे बढ़िया होता है। अच्छा, अच्छा। और किसी भी सरकार में उतना व्यवस्था नहीं होता है। अच्छा, ये जो सरकार चल रही है आदित्यनाथ की, इसमें आपको अच्छा नहीं है बेटा? नहीं है। इस सरकार में तो सबसे ज़्यादा रेप हो रहा है, हर जगह, हर जिले से ही न्यूज आता है, हर रोज़ सुनते रहते हैं कि हर क्षेत्र में कहीं वहाँ घटना हो गया, कि अभी हाथरस का घटना आप सुने होंगे और प्रयागराज का भी घटना आप देखे होंगे, तो देखिए हर जगह उनकी सरकार में दलितों का कहीं सुरक्षा नहीं महसूस होता है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा महसूस होता है बहुजन समाज पार्टी में, और बहुजन समाज पार्टी में कानून व्यवस्था बेस्ट। कहने का मतलब है कि योगी के सरकार में कोई भी काम नहीं हुआ है? नहीं, बस यही कहना चाहते हैं। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा शिक्षा तो एकदम कहीं का भी नहीं है, शिक्षा तो हर जगह देखिए, स्कूल कॉलेज बंद ही चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई इधर उधर घूम रहे हैं, कानून व्यवस्था भी नहीं ठीक है, और शिक्षा भी व्यवस्था नहीं ठीक है, और किसान का जान ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो हद से ज़्यादा पार हो गया, पहले 60 रुपये लीटर मिलता था पेट्रोल डीजल, आज देख रहे हैं 110 हो गया, 112 हो गया, ऐसे पेट्रोल डीजल के दाम हो गए। दीपावली तक ऐलान भी किया गया है, जो 5 किलो का राशन वो भी फ्री में मिलेगा, इसके लिए भी तो सोचिए ना।
राशन राशन तो फ्री तो मिल रहा है, राशन को मिलने से क्या हम बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है? राशन से नहीं मिल सकती है ना। अच्छा खान पीन तो मिल सकता है, सिर्फ राशन से दाल चावल ना मिल रहा है, और सामाजिक ज्ञान कहाँ मिल रहा है? स्कूल कॉलेज तो बंद चल रहा है। आपका सीधा सीधा कहना है कि ये सरकार नहीं ठीक है? नहीं ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक है। अच्छा ये जो है योगी सरकार में क्या आपको कितना अच्छा लग रहा है, इनका काम क्या कितना अच्छा लग रहा है? मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा जो है 2022 की विधानसभा आगामी चुनाव में किस तरफ आप जा रहे हैं, बसपा या असपा या? अभी तो देखेंगे, बसपा और आजाद समाज पार्टी एक ही है, ठीक है, एक ही है। हम किसी को एक ही कैसे है? मायावती जो है चंद्रशेखर को आरएसएस का एजेंडा बताती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी देखेंगे हमारी दोनों पार्टी हमारी एक ही है। अच्छा दोनों पार्टी एक है जी, जिसको समझेंगे आगे किसको देंगे? अभी तो फिलहाल देखो अभी तो अभी सोच रहे हैं जी, अभी अच्छा। सोच रहे हैं जो भी आगे जाएगा उस हिसाब से हम वोट देंगे। साथियों जिस तरह से देख रहे हैं बहुजन समाज के लोग जो है चंद्रशेखर और मायावती को लेकर गुमराह हैं कि वोट किसको जाएगा, किसको वोट जाएगा? बीएसपी को जाएगा। अब बीएसपी को क्यों जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ से सरकार से आप खुश नहीं हैं? नहीं खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? बहुत सारा दुर्घटना हो रहा है, हर एक चीज़ हो रहा है, चोरी डकैती भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पेट्रोल भी महंगा हो गया है, साग सब्जी भी महंगी हो गई है, जहाँ तक बेरोजगारी आ गई है, रोजगार नहीं है किसी के पास। बेरोजगार क्या कहना चाहेंगे जो साढ़ घूम रहे हैं इसके लिए क्या? अरे ये तो सब नाश कर दे रहे हैं, साढ़ और लीलगा दोनों मिलकर। लीलगा भी आ गए हैं, पहले तो दिखाई नहीं देते थे, अब तो जहाँ ही देखे वहीं दो चार ठिकाने रहते हैं। भाजपा सरकार में जो है कहा जाता है गाय हमारी माता है, गाय की माता जो है आप लोग डंडा लेके दौड़ाते हैं, काहे की गाय माता हूँ। अच्छा अरे तो जब अपने माता को माता नहीं कहते हैं तो गाय की काहे की माता हूँ? वही चीज आपसे पूछ रहे हैं, गाय वही कोई माता नहीं है, डंडा है। अच्छा ये सब एक जरिया है, एक मोहरा है बनाया हुआ, राजनीति है। और जितना यहाँ जितना परेशानी सरकार में हुई है उतना कभी जानते नहीं थे कि यहाँ सरकार भी कोई होती है। अटल बिहारी वाजपेयी को कोई नहीं जानता था, यहाँ मोदी को नान बच्चा जानता है। मोदी को नान इतना नुकसान दे रहा है, अनाज भी छीन ले रहा है, कितने लोग को दे रहा है? अभी दो चार लोग को दे रहा है, 10 लोग को छीन लिया है, 5 किलो दे रहा है, 10 किलो काट दिया। कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से दिक्कत ही पूरी तरीके से दिक्कत। अच्छा अच्छा बेरोजगारी से लेकर हर चीज़ से दिक्कत है। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय कुमार गौतम है। अच्छा अच्छा देखिए हम यहाँ पर विशेष किसी राजनीतिक मुद्दे बात नहीं करना चाहते हैं। देश के युवाओं को जो प्रॉब्लम है वो लेकर बेरोजगारी को है, और किसान देश की रीढ़ की हड्डी मानी जा रही है। जो दिल्ली में अभी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रही बीजेपी सरकार, इसकी वजह से हम दुखी हैं। और युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, इसकी वजह से दुखी हैं इस सरकार से। और जो भी मनमानी रवैया करवाया जा रहा है इसी वजह से सरकार से हम दुखी हैं बीजेपी से, और कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। अच्छा जो आपने किसान की बात उठाई है लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई और रोजगार की भी तो बात होनी चाहिए ना? वही अगर किसान खुश रहेगा तो महंगाई एडजस्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जो पेट्रोल ले जा रहे हैं 100 रुपये में जो है अभी 110 रुपये में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसान खुश होना चाहिए ना। जो भारत देश है गाँव का देश कहा जाता है इसे, यहाँ पर किसान खुश रहेंगे तभी देश खुश रहेगा। और जो है देखा जाए तो तब भी अपना एक नज़रिया होता है इसमें किसानों को बहुत दुख हो रहा है, आगे की रणनीति को लेकर आप किस सरकार में किसान को खुश देख पा रहे थे पहले? देखिए पहले तो मैं बीजेपी से 1-2 साल ठीक था, सब ठीक चला, उसके बाद बीजेपी 3 साल से लगातार बेकार प्रदर्शन कर रही है, इसलिए मैं बसपा को सपोर्ट करना चाहेंगे। इसके पहले करेंगे जो है आपने भाजपा को सपोर्ट किया था? हाँ इसके पहले मैंने भाजपा को सपोर्ट किया था क्योंकि अच्छी चली थी, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जिनने वादा किया जा रहा था, इस वजह से हम बसपा को सपोर्ट करेंगे अब की बार। साथियों जिस तरह से आपने देखा विधानसभा चुनाव के कुछ युवाओं जो है बहुजन समाज पार्टी के तरफ से एकदम समर्थक में और सरकार लाने में जुट गए हैं। साथियों इसी तरह हमारे हर वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।